गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल हूणों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, आज इसी से लगा हुआ गुप्त काल में एक वंश आया था, वर्धन वंश। कौन सा वंश आया था? वर्धन वंश। तो आज के टॉपिक में हम लोग वर्धन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। किस वंश के बारे में अध्ययन करेंगे? वर्धन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। एक नाम आता है आपके इतिहास में, पुष्य मूर्ति। ये पुष्य मूर्ति जो है ये वर्धन वंश का संस्थापक कहा जाता है, पुष्य मूर्ति। इसको चाहे हम वर्धन वंश का संस्थापक मान लें, चाहे वर्धन वंश का आदि पुरुष मान लें। आदि पुरुष का मतलब होता है सबसे प्राचीन पुरुष, जिसके द्वारा इस वंश की नींव डाली गई। तो नींव किसके द्वारा डाली गई? पुष्य मूर्ति के द्वारा डाली गई। बात क्लियर हुई? तो पुष्य मूर्ति को वर्धन वंश का संस्थापक या वर्धन वंश का जनक या वर्धन वंश का आदि पुरुष माना जाता है। इसके बाद इसी वंश में एक राजा हुए, प्रभाकर वर्धन। कौन राजा हुए? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए, एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का नाम था आपका हर्षवर्धन। बात क्लियर हुई? संस्थापक कौन था? पुष्य मूर्ति, आदि पुरुष या जनक या संस्थापक। इसके बाद दूसरे राजा हुए प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए, एक का नाम रखा गया राज्यवर्धन, दूसरे का नाम रखा गया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम इसलिए इतिहास में उल्लेख है कि हर्षवर्धन जैसा प्रतापी, सुयोग्य, कुशल राजा वर्धन वंश में कोई दूसरा नहीं हुआ है। कोई दूसरा राजा इसके समान न तो प्रतापी हुआ है, ना वंश को अच्छी तरीके से चलाने वाला हुआ है, ना राज्य हिती हुआ है। जितने एक राजा के सद्गुण हो सकते हैं
वो सभी सद्गुण वर्धन वंश में हर्षवर्धन के चरित्र में देखने को मिलते हैं। इसलिए वर्धन वंश में सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? हर्षवर्धन का आता है। बात क्लियर हुई? हर्षवर्धन के पिता आपने समझ लिए प्रभाकर वर्धन और माता का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन। भाई कौन था? राज्यवर्धन। और बहन का नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। तो हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, भाई का नाम राज्यवर्धन, माता का नाम यशोमती और बहन का नाम राजश्री था। ये तो हो गया इसका बायोडाटा। बात क्लियर हुई? प्रभाकर वर्धन जो इनके पिता थे हर्षवर्धन के, इनको महाराजा धीराज की उपाधि वर्धन वंश में दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि प्रभाकर वर्धन को दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। दूसरी एक उपाधि दी गई थी परम भट्टारक। परम भट्टारक। ये दो उपाधियां हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन को वर्धन वंश में उनकी कुशलता, उनकी प्रतापिता, उनकी दूरदर्शिता, इसके आधार पर महाराजा धीराज और परम भट्टक की उपाधि से विभूषित किया गया था। बात क्लियर हुई? हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। कब हुआ था? 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और पिता की मृत्यु के बाद, सबसे पहले हर्षवर्धन को थानेश्वर के सिंहासन पर बिठाया गया। कहाँ बिठाया गया? थानेश्वर के सिंहासन पर। पिता की जो की परंपरा थी, राज परिवार का व्यक्ति ही राजा बनेगा, राज पिता के बाद राजपुत्र ही सत्ता संभालेगा। तो जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो हर्षवर्धन को थानेश्वर, ये वर्धन वंश की राजधानी के रूप में जाना जाता है, वहां के सिंहासन पर हर्षवर्धन को आरूढ़ कर दिया गया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारियां, सत्ता का समर्थन, बहुत सारी क्रियाएं इसके द्वारा की गईं। और इसी बीच में राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा के साथ कर दिया गया। किसके साथ कर दिया गया? ग्रह वर्मा, ये कन्नौज के राजा थे। इनके साथ हर्षवर्धन ने पिता की मृत्यु के बाद अपनी बहन का विवाह कर दिया। लेकिन चाहे सत्ता का लालच कहिए, चाहे समय की विडंबना कहिए, चाहे देव बुद्धि कहिए, कुछ भी कारण मान लीजिए आप, कुछ समय के बाद दो राजा थे, एक बंगाल का राजा था शशांक और एक मालवा का राजा था देवगुप्त। इन दोनों राजाओं ने कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई। बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को। बंगाल के राजा शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने मिलकर के कन्नौज पर आक्रमण किया और हर्षवर्धन की बहनोई ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई। राज्य से बंदी बना लिया गया।
इसके बाद वहां की रक्षा के लिए जब गृहवर्मा की हत्या हो गई, बहन को बंदी बना लिया गया, तो कन्नौज की रक्षा के लिए इसका हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन पहुंचा, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि धोखे से हत्या हो गई, कुछ कहते हैं सत्ता के जानबूझकर लालच में हत्या हो गई। कुछ समय के पश्चात 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई और इस हत्या में शशांक का नाम इतिहास में लिया जाता है। तो सबसे पहले पुष्य मूर्ति को वर्धन वंश का आदि पुरुष, इसके बाद दूसरे राजा प्रभाकर वर्धन, इनके दो पुत्र राज्यवर्धन हर्षवर्धन, पुत्री राज्यश्री, माता इनकी या राज्यवर्धन की माँ, इनका नाम यशोमती। प्रभाकर वर्धन को दो उपाधियाँ दी गईं, एक को महाराजाधिराज और दूसरे को परम भट्टारक के नाम से जानते हैं। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में, पिता की मृत्यु के बाद थानेश्वर के सिंहासन पर इसको बिठाया गया। थानेश्वर के सिंहासन पर बैठने के बाद अपनी बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ किया, लेकिन कुछ समय के पश्चात बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर के इनके बहनोई गृहवर्मा की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बहन राज्यश्री को बंधक बना लिया। बात क्लियर हुई? इसके बाद कन्नौज की सत्ता हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन ने संभाली, लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि शशांक ने धोखे से कन्नौज की रक्षा करते समय राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। अब बारी आती है हर्षवर्धन की। किसकी आएगी अब? हर्षवर्धन। जब राज्यवर्धन की भी हत्या हो गई, गृहवर्मा की भी हत्या हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, तो पूरा शासन किसके अंडर में आ गया? पूरा शासन आपका हर्षवर्धन की देखरेख में आ गया और 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा। वर्धन वंश में हर्षवर्धन का सिंहासन पर आरूढ़ होने का जो समय है वो 606 ईस्वी। इसके बाद अवस्था कितनी रही होगी? 590 में जन्म हुआ और 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने सिंहासन संभाल लिया। सिंहासन के पर बैठने के बाद हर्षवर्धन ने दो कार्य किए। पहला कार्य किया कि जो बंगाल के राजा शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने इनकी बहन राज्यश्री को बंधक बनाया था, सबसे पहले बहन की खोज की और बहन को इस बंधन से मुक्त कराया गया। पहला काम क्या किया हर्षवर्धन ने? राज्यश्री को बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, ठीक है ना। दूसरा काम हुआ कन्नौज का पूरा सिंहासन और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज, चूंकि परेशानी होती थी, थानेश्वर का भी भार था, इधर बहनोई की मृत्यु के बाद कन्नौज का भार भी आ गया, तो अपने भार को हल्का करने के लिए इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से
कन्नौज कर दी, राजधानी परिवर्तन। थानेश्वर से कन्नौज, ये दो काम किए, पहले बहन को मुक्त कराया बंधन से और फिर राजधानी परिवर्तन। थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी थी। हर्ष का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। चूंकि प्रतापी शासक था वर्धन वंश का, तो अपने साम्राज्य का विस्तार इसने बहुत किया और चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसका विस्तार उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा, उत्तर में हिमालय से शुरू था और दक्षिण में कहाँ तक फैला था, नर्मदा तक। उत्तर के हिमालय से लेकर के दक्षिण की नर्मदा तक और पूर्व में कामरूप से लेकर के की चर्चा थी कि पूर्व में और पश्चिम में कामरूप से लेकर के बल्लभी तक और हिमालय से लेकर के नर्मदा तक। अब आता है हर्ष का विजय अभियान। किसका अध्ययन हम लोग करेंगे? हर्ष का विजय अभियान। विजय अभियान के बारे में हम लोग अध्ययन करें। पहला विजय अभियान में पहली विजय होती है वल्लभी की विजय। वल्लभी की विजय, यहां के जो राजा थे ध्रुवसेन, कौन थे? ध्रुवसेन। इनसे युद्ध करके अपने पराक्रम के बल पर इनको परास्त किया और वल्लभी का साम्राज्य अपने अंडर में ले लिया। चूंकि वल्लभी इन्हीं के अंडर में था, पूर्व में कामरूप से लेकर के पश्चिम में वल्लभी तक। अभी साम्राज्य सीमा आपने देखी, उसमें पूर्व में कामरूप से लेकर के पश्चिम में वल्लभी तक। तो पश्चिम की जो वल्लभी थी वो कैसे सत्ता में आई, कैसे इनका अधिकार हुआ? वहां के राजा ध्रुवसेन को युद्ध में पराजित किया और वल्लभी पर अपना अधिकार घोषित किया। दूसरी आती है उत्तर भारत पर विजय। उत्तर भारत पर विजय, उत्तर भारत की विजय में कश्मीर, सिंधु और नेपाल तीन राज्य थे जिन पर दूसरे शासकों का अधिकार था। कश्मीर, सिंधु और नेपाल, इनके राजाओं को अपने पराक्रम के बल पर, अपनी सैन्य शक्ति के बल पर हरा दिया और उत्तर भारत के ये तीनों राज्य कश्मीर, सिंधु और नेपाल ये इनके अंडर में आ गए। तीसरी विजय आती है बंगाल के शासक से युद्ध। बंगाल के शासक से युद्ध, बंगाल के शासक से युद्ध। राजगद्दी पर जब हर्षवर्धन बैठे तो उन्होंने जो शशांक ने घटना घटित की थी इनके बहनोई के साथ, ध्रुव वर्मा को मारा था जो कन्नौज के राजा थे, उनसे बदला लेने के लिए। वैसे बंगाल से युद्ध करने का विचार नहीं था, लेकिन शशांक द्वारा किए गए क्रियाकलापों का बदला लेने के लिए गद्दी पर बैठने के बाद बंगाल के शासक से युद्ध किया और हरा करके, युद्ध में मार करके बंगाल की सत्ता अपने हाथ में
लिंग। और चौथा आता है दक्षिण के पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध, दक्षिण के पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य ये दक्षिण में नर्मदा तक फैला था और नर्मदा के साम्राज्य को हर्षवर्धन को अपने साम्राज्य में मिलाना था। तो जब किसी भी शासक का साम्राज्य आप अपने साम्राज्य में मिलाएंगे तो सीधी सी बात है वहाँ के शासक से युद्ध करना पड़ेगा, या तो युद्ध में हराना पड़ेगा शासक को या युद्ध में मारना पड़ेगा। इन दो चीज़ों में से जब तक एक चीज नहीं होगी, या तो विजय या वहाँ के शासक की मृत्यु, तभी आप दूसरे साम्राज्य पर के अधिकारी माने जाएंगे या वहाँ पर अपना अधिकार कर पाएंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था इसका साम्राज्य था नर्मदा के तट पर, और हर्ष ने आक्रमण किया, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या की, और हत्या करने के बाद नर्मदा के साम्राज्य को, दक्षिणी साम्राज्य को अपनी सीमा में मिला लिया। तो सबसे पहली विजय बल्लवी की विजय, यहाँ के राजा ध्रुवसेन को पराजित किया, उत्तर भारत के अन्य राज्य कश्मीर सिंधु नेपाल यहाँ के राजाओं को पराजित करके इनको अपने साम्राज्य में मिलाया। तीसरी बंगाल के शासक शशांक से अपने बहनोई का बदला लेने के लिए वहाँ के जो शासक थे क्या नाम था उनका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ के शासक से युद्ध किया, और दक्षिण के पुलकेशिन द्वितीय जिनका साम्राज्य नर्मदा के तट पर था उनसे युद्ध किया और वहाँ की सीमा को अपने साम्राज्य की सीमा में मिला लिया। इस तरीके से विजय अभियान चार भागों में बटा है, पहला वल्लभी की विजय, दूसरा उत्तर भारत पर विजय, तीसरी बंगाल की विजय और दक्षिण पर नर्मदा की विजय। ये तो था हर्षवर्धन का विजय अभियान। अब बात करते हैं हर्षवर्धन का शासन प्रबंध। शासन में और प्रशासन में अंतर मैंने एक दिन बोला था। समाज की आदेशात्मक व्यवस्था जो है वो शासन कहलाती है, और समाज की प्रबंधात्मक व्यवस्था क्रियात्मक व्यवस्था ये प्रशासन कहलाती है। ये शासन में और प्रशासन में या शासक में और प्रशासक में मूल अंतर होता है। तो हर्षवर्धन का नाम जो वर्धन वंश में आता है, ये शासन प्रबंध, किसी भी राजा का शासन प्रबंध यदि अच्छा होता है तो उसको उस वंश का महान राजा माना जाता है। और जितने भी राजा अभी तक मैंने इतिहास में पढ़ाए हैं या आगे जो चर्चा होगी विभिन्न वंशों के शासकों की, तो उसमें उनके नाम आज के इतिहास में इसीलिए है कि उनका जो शासन प्रबंध था, शासन प्रबंध का मतलब होता है समस्त साम्राज्य को अपने अंडर में करके वहाँ जितनी भी बुराइयाँ हैं जितनी भी कमियाँ हैं उनको दूर करके एक स्वतंत्र और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करना, ये आता है शासन प्रबंध के अंतर्गत। तो एक कुशल प्रजापालक राजा के रूप में हर्ष का नाम आता है। अब राजा का पहला तो राजा ही होता है, राजा का राजकीय कार्य उसमें मदद करने के लिए क्या होती थी, मंत्री परिषद होती थी। पहली चीज क्या होती थी, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में क्या होते थे, मंत्री। क्या होते थे, मंत्री। आज हम इनको मिनिस्टर कहते हैं, मंत्री कहते हैं, लेकिन उस समय उनको प्रधानामात्य
या इनका एक दूसरा नाम भी था, अमात्य के रूप में जानते थे। उस समय राजा की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद में मंत्री हुआ करते थे उनको या तो प्रधानामात्य कहा जाता था या अमात्य कहा जाता था। बात क्लियर हुई? अब आता है इनका केंद्रीय शासन। कौन सा शासन? केंद्रीय शासन। ये केंद्रीय शासन कई भागों में बटा हुआ था। पहला होता था केंद्रीय शासन में प्रधानमंत्री, जैसे आज होता है केंद्र में प्रधानमंत्री, ठीक वैसी ये राष्ट्र विभाग देखता था, पूरे राष्ट्र का विभाग देखता था। राष्ट्र विभाग किसके अंडर में था? प्रधानमंत्री के अंडर में। दूसरा पद था अक्षय पटक। कौन सा था? अक्षय पटक। ये जो सरकारी लेखपत्र हुआ करते थे, सरकारी जो कागज हुआ करते थे, जो सरकारी जमीनों के जो प्रमाण हुआ करता था, उनकी जांच करते थे। सरकारी लेखपत्रों की जांच, सरकारी लेखपत्रों की जांच। जांच। तीसरे थे सेनापति। ये हुआ करता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। इसको किस नाम से जानते थे? सेनापति के नाम से हम जानते थे। चौथा आता है महाप्रतिहार। बहुत सारे पद थे इस वर्धन वंश में। महाप्रतिहार, महाप्रतिहार जो था ये राजा प्रसाद का रक्षक, ये जो मुख्य राजा होता था, प्रधान होता था, उसका रक्षक हुआ करता था, गार्ड हुआ करता था, राजा का रक्षक हुआ करता था। उसको किस नाम से जानते हैं? महाप्रतिहार के नाम से जानते हैं। और एक अंतिम और आता है आपका मीमांसक। मीमांसक होता था न्यायाधीश, जो भी सरकारी न्याय, दंड, निर्णय जो लिए जाते थे वो मीमांसक के द्वारा लिए जाते थे। तो केंद्रीय शासन में प्रधानमंत्री, अक्षय पटक, सेनापति, महाप्रतिहार और मीमांसक, इन पदों का वर्णन है। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हर्षवर्धन का शासन व्यवस्था, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला साहित्य क्या विकास हुआ, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और आज के लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपके चैनल की PDF पर उपलब्ध है। आप चाहें तो उसकी सहायता से अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। धन्यवाद।